नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे लेखक अज्ञेय द्वारा लिखी कहानी इंदु की बेटी। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की कहानियां पसंद आ रही हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब गाड़ी खचाखच लदी होने के कारण मानो करहती हुई स्टेशन से निकली, तब रामलाल ने एक लंबी सांस लेकर अपना ध्यान उस प्राण ले लेने वाली गर्मी, अपने पसीने से तर कपड़ों और साथ बैठे हुए नंगे बदन वाले गंवार के शरीर की बूह से हटाकर फिर अपने सामने बैठी हुई अपनी पत्नी की ओर लगाया और उसकी पुरानी कुड़न फिर जाग उठी। रामलाल की शादी को 2 बरस हो चले हैं। 2 बरस में शादी का नयापन पुराना हो जाता है, तब गृहस्थ जीवन का सुख नएपन के अलावा जो दूसरी चीजें होती हैं उन्हीं पर निर्भर करता है। मातृत्व या पितृत्व की भावना, समान रुचियां, इकट्ठे बिताए हुए दिनों की स्मृतियां, एक दूसरे को पहुंचाए गए सुख क्लेश की छाप, नयापन मिट जाने के बाद ये और ऐसी चीजें ही ईंटें होती हैं जिनसे गृहस्थी की भीत खड़ी होती है। और रामलाल के जीवन में ये सब जैसे थे ही नहीं। उसके कोई संतान नहीं थी। जहां तक उसके दाम्पत्य जीवन के सुख दुख की उसे याद थी, वहां तक उसे यही दिखता था कि उन्होंने एक दूसरे को कुछ दिया है तो क्लेश ही दिया है। इससे आगे थोड़ी बहुत मामूली सहूलियत एक दूसरे के लिए पैदा की गई है, लेकिन उसका शिक्षित दिमाग उन चीजों को सुख कहने को तैयार नहीं है। उदाहरणतया वो कमाकर कुछ लाता रहा है और स्त्री रोटी पकाकर दे देती रही है, कपड़े धोती रही है, झाड़ू लगाती रही है, चक्की भी पीसती रही है। क्या इन चीजों का नाम सुख है? क्या उसने शादी इसलिए की थी कि एक महरी उसे मिल जाए और वो खुद एक दिन से दूसरा दिन करने की चक चक से बच जाए और बस? क्या उसने बीए तक की पढ़ाई इसलिए की थी कि हर महीने 20-1 रुपलियां कमाकर इसके आगे लाकर पटक दिया करे कि ले इस कबाड़ खाने को संभाल और इस ढाबे को चलता रख। इस गंवार अनपढ़ बेवकूफ औरत के आगे जो चक्की पीसने और झाड़ू लगाने से अधिक कुछ नहीं जानती और ये नहीं समझती कि एक पढ़े लिखे आदमी की भूख 2 वक्त की रोटी के अतिरिक्त कुछ और भी मांगती है। उसकी खीज एकाएक बढ़कर क्रोध बन गई। स्त्री की ओर से आंख हटाकर वो सोचने लगा, इसका ये नाम किसने रखा? इंदु, कैसा अच्छा नाम है। जाने किस बेवकूफ ने ये नाम इसे देकर डुबाया। और कुछ नहीं तो सुंदर ही होती, रंग ही कुछ ठीक होता। लेकिन जब ये पहले पहल मेरे घर आई थी तब तो मुझे इतनी बुरी नहीं लगी थी। क्यों मैंने इसे कहा था कि मैं अपने जीवन का सार बोझ तुम्हें सौंप कर निश्चिंत हो जाऊंगा? कैसे कह पाया था कि जो जीवन मुझसे अकेले चला ही नहीं चलता वो अब तुम्हारा साथ पाकर चल जाएगा? पर मैं तब इसे जानता कब था? मैं तो समझता था कि... रामलाल ने फिर एक तीखी दृष्टि से इंदु की ओर देखा और फौरन आंखें हटा ली। तत्काल ही उसे लगा कि ये अच्छा हुआ कि इंदु ने वो दृष्टि नहीं देखी। उसमें कुछ उस अहिर का सा भाव था जो मंडी से एक हट्टी कट्टी गाय खरीद कर लाए और घर आकर पाए कि वो दूध ही नहीं देती। तभी गाड़ी की चाल फिर धीमी हो गई। रामलाल अपने पड़ोसी गंवार की ओर देखकर सोच ही रहा था कि कौन सी विभत्स गाली हर स्टेशन पर खड़ी हो जाने वाली इस मनहूस गाड़ी को दे कि उसकी स्त्री ने बाहर झांक कर कहा, स्टेशन आ गया। रामलाल की कुड़न फिर भभक उठी। भला ये भी कोई कहने की बात है? कौन गधा नहीं जानता कि स्टेशन आ रहा है? अब क्या यह भी सुनना होगा कि गाड़ी रुक गई, गार्ड ने सीटी दी, हरी झंडी हिल रही है, गाड़ी ने सीटी दी, गाड़ी चल पड़ी? लेकिन मैं इस पर क्यों खींचता हूं? इस बेचारी का दिमाग जहां तक जाएगा वहीं तक की बात वो करेगी ना। अब मैं उससे आशा करूं कि इस समय वो मेघदूत मुझे सुनाने लग जाए और वो इस आशा को पूरा ना करे तो उसका क्या कसूर है? लेकिन मैंने उसे कभी कुछ कहा है? चुपचाप सब सहता आया हूं। एक भी कठोर शब्द उसके प्रति मेरे मुंह से निकला हो तो मेरी जबान खींच ले। आखिर पढ़ लिख कर इतनी भी तमीज ना आई तो पढ़ा क्या खाक? समझदार का काम है सहना। मैंने उससे प्यार से कभी बात नहीं की, लेकिन जो हृदय में नहीं है उसका ढोंग करना नीचता है। क्रोध को दबाने का ये मतलब थोड़े ही है कि झूठ मूठ का प्यार दिखाया जाए। गाड़ी रुक गई। इंदु ने बाहर की ओर देखते देखते कहा, प्यास लगी है। रामलाल को वो स्वर अच्छा नहीं लगा। उसमें जरा भी तो आग्रह नहीं था कि हे मेरे स्वामी मैं प्यासी हूं मुझे पानी पिला दो, सीधे शब्दों में कहा, नहीं तो खैर। पर वहां तो ध्वनि भी नहीं है। ऐसा कहा है जैसे मैं जता देती हूं कि मैं प्यासी हूं, आगे कोई पानी लाकर देगा तो मैं पी लूंगी, नहीं तो ऐसे भी काम चल ही जाएगा। इतनी उत्सुक मैं किसके लिए हूं कि पानी लाने के लिए कह सकूं? फिर भी रामलाल ने लोटा उठाया, बाहर झांका और ये देखकर कि गाड़ी के पिछले सिरे के पास प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग धक्कम धक्का कर रहे हैं और एकाध जो जरा अलग हैं कान में टंगा हुआ जनेऊ उतार रहे हैं, वो उतरकर उधर को चल पड़ा। वो मुझे ही कह देती कि पानी ला दो तो क्या हो जाता?
मैं जो कुछ बन पड़ता है उसके लिए करता हूँ। अब अधिक नहीं कमा सकता तो क्या करूँ, गांव में गुंजाइश ही इतनी है। अब शहर में ही शायद कुछ हो, पर शहर में खर्च भी होगा। मैं खर्च की परवाह न करके उसे अपने साथ लिए जा रहा हूँ, और होता तो गाँव में छोड़ जाता। शहर में अकेला आदमी कहीं भी रह सकता है, पर गृहस्थी लेकर तो, और उसे इतना ख्याल नहीं कि ठीक तरह से बात ही करे। बात क्या करे, रोटी पानी पैसा मांग ही ले, क्या निकम्मेपन में भी अभिमान होता है। रामलाल नल के निकट पहुंच गया। गाड़ी ने सीटी दी और चल दी। रामलाल को यह नहीं सुनना पड़ा कि हरी झंडी हिल रही है, गाड़ी चली। इंदु ने कहा भी नहीं। गार्ड की सीटी हो जाने पर भी जब रामलाल नहीं पहुंचा, तब इंदु खिड़की के बाहर उझक कर उत्कंठा से उधर देखने लगी जिधर वो गया था। गाड़ी चल पड़ी तब उसकी उत्कंठा घोर व्यग्रता में बदल गई, लेकिन तभी उसने देखा एक हाथ में लोटा थामे रामलाल दौड़ रहा है। वो अपने डिब्बे तक तो नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन पीछे के किसी डिब्बे में शायद बैठ जाए। इंदु ने देखा कि रामलाल ने एक डिब्बे के दरवाजे पर आकर हैंडल पकड़ लिया है और उसी के सहारे दौड़ रहा है, लेकिन गाड़ी की गति तेज होने के कारण अभी चढ़ नहीं पाया। कहीं वो रह गए तब? क्षण भर के लिए एक चित्र उसके आगे दौड़ गया। परदेश में वो अकेली, पास पैसा नहीं, और उससे टिकट तलब किया जा रहा है, और वो नहीं जानती कि पति को कैसे सूचित करे कि वो कहाँ है। लेकिन क्षण भर में ही इस डर का स्थान एक दूसरे डर ने ले लिया। कहीं वो उस तेज चलती हुई गाड़ी पर सवार होने के लिए कूदे, और ये डर उससे नहीं सहा गया। वो जितना बाहर झुक सकती थी झुककर रामलाल को देखने लगी, उसके पैरों की गति को देखने लगी, और उसके मन में यही होने लगा कि क्यों उसके पति से प्यास की बात कही, यदि कुछ देर बैठ जाती तो मर न जाती। एकाएक रामलाल गाड़ी के कुछ निकट आकर कूदा। इंदु जरा और झुकी कि देखे कि वो सवार हो गया कि नहीं और निश्चिंत हो जाए। उसने देखा अंधकार, कुछ डूबता सा, एक टीस, जांघ और कंधे में जैसे भीषण आग, फिर एक दूसरे प्रकार का अंधकार। गाड़ी मानो विवश क्रोध से चींचियाती हुई रुकी कि अनुभूतियों से बंधे हुए इस शुद्र चेतन संसार की एक घटना के लिए किसी ने चेन खींचकर उस जड़ निरीह और इसलिए अडिग शक्ति को क्यों रोक दिया है। गाड़ी के रुकने का कारण समझ में उतरने से पहले ही रामलाल ने डिब्बे तक आकर देख लिया कि इंदु उसमें नहीं है। रेल का पहिया जांघ और कंधे पर निकल गया था। एक आंख भी जाने क्यों बंद होकर सूज आई थी। बाहर कोई चोट नहीं दिख रही थी और केश लहू में सनकर जटा से हो गए थे। रामलाल ने पास आकर देखा और देखता रह गया। ऐसा बेबस पत्थर रह गया कि हाथ का एक लोटा भी गिरना भूल गया। थोड़ी देर बाद जब जरा कांप कर इंदु की एक आंख खुली और बिना किसी की ओर देखे ही स्थिर हो गई और क्षीण स्वर में कहा, मैं चली। तब रामलाल को नहीं लगा कि वे दो शब्द विज्ञप्ति के तौर पर कहे गए हैं। उसे लगा कि उनमें खास कुछ है, जैसे वो किसी व्यक्ति विशेष को कहे गए हैं और उनमें अनुमति मांगने का सा भाव है। उसने एकाएक चाहा कि बढ़कर लोटा इंदु के मुंह से छुआ दे, लेकिन लोटे का ध्यान आते ही वो उसके हाथ से छूट कर गिर गया। रामलाल उस आंख की ओर देखता रहा, लेकिन फिर वो झिपी नहीं, गाड़ी चली गई। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर ने आकर एक बार शरीर की ओर देखा, एक बार रामलाल की ओर, एक बार फिर उस खुली आंख की ओर, और फिर धीरे से पल्ला खींचकर इंदु का मुंह ढक दिया। गाड़ी जरा सी देर रुककर चली गई थी, दुनिया जरा भी नहीं रुकी। गाड़ी आदमी की बनाई हुई थी, दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है। 20 साल हो गए। घिरती रात में हर एक स्टेशन पर रुकने वाली एक गाड़ी के सेकंड क्लास डिब्बे में रामलाल लेटा हुआ था। वो कलकत्ते से रुपए कमाकर लौट रहा था। आज उसके मन में गाड़ी पर खींच नहीं थी। आज वो यात्रा पर जा नहीं रहा था, लौट रहा था, और वो थका हुआ था। एक छोटे स्टेशन पर वो एकाएक भड़बड़ा कर उठ बैठा। बाहर झांक कर देखा कि कहीं कोई कूली नहीं था। वो स्वयं बिस्तर और बैग बाहर रखने लगा। तभी स्टेशन के पॉइंट मैन ने आकर कहा, बाबूजी कहाँ जाइएगा? छोटे स्टेशनों पर लाइन मैन और पॉइंट मैन ही मौके बेमौके कूली का काम कर देते हैं। रामलाल ने कहा, यहीं एक तरफ करके रख दो। और कुछ सामान नहीं है? बाकी ब्रेक में है, आगे जाएगा। अच्छा। गाड़ी चली गई। बूढ़े पॉइंट मैन ने सामान स्टेशन के अंदर ठीक से रख दिया। रामलाल बेंच पर बैठ गया। स्टेशन के एक कोने में एक बड़ा सा लैंप जल रहा था। उसकी ओर पीठ करके जाने क्या सोचने लग गया, भूल गया कि उसके पास कोई खड़ा है। बूढ़े ने पूछा, बाबूजी कैसे आना हुआ? ऐसा बढ़िया सूट बूट पहनने वाला आदमी उसने इस स्टेशन पर पहले कभी नहीं देखा था। यों ही ठहरिएगा? नहीं, अगली गाड़ी कब जाती है? कल सवेरे। उसमें जाइएगा? हाँ। इस वक्त बाहर जाइएगा? नहीं। लेकिन यहाँ तो वेटिंग रूम नहीं है। यहीं बेंच पर बैठा रहूंगा।
बूढ़ा मन में सोचने लगा, ये अजब आदमी है जो बिना वजह रात भर यहां ठिठुरेगा और सवेरे चला जाएगा। पर अब रामलाल प्रश्न पूछने लगा, तुम यहां कब से हो? जी क्या बताऊं, सारी उम्र यहीं कटी है। अच्छा, तुम्हारे होते यहां कोई दुर्घटना हुई? नहीं, कहकर बूढ़ा रुक गया, फिर कहने लगा, हां एक बार एक औरत रेल के नीचे आकर कट गई थी, उधर प्लेटफॉर्म से जरा आगे। रामलाल के स्वर में जैसे अरुचि थी, लेकिन बूढ़ा अपने आप ही उस घटना का वर्णन करने लगा। कहते हैं उसका आदमी यहां पानी लेने के लिए उतरा था, इतनी देर में गाड़ी चल पड़ी, वो बैठने के लिए गाड़ी के साथ दौड़ रहा था, औरत झांक कर बाहर देख रही थी कि बैठ गया या नहीं, तभी बाहर गिर पड़ी और कट गई। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने फिर कहा, बाबूजी औरत जात भी कैसी होती है, भला वो गाड़ी से रह जाता तो कौन सी बड़ी बात थी, दूसरी में आ जाता, लेकिन औरत का दिल कैसे मान जाए। रामलाल ने जेब से 4 आने पैसे निकालकर उसे देते हुए संक्षेप में कहा, जाओ। बाबूजी, रामलाल ने टांगे बेंच पर फैलाते हुए कहा, मैं सोऊंगा। बूढ़ा चला गया। जाते हुए स्टेशन का एकमात्र लैंप भी बुझा गया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रामलाल उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा और सोचने लगा, उसने पानी नहीं मांगा था, लेकिन अगर मैंने ही कह दिया होता कि मैं अभी लाए देता हूं पानी, तो आदमी जब चाहता है जीवन के 20 वर्षों को 20 मिनट 20 सेकंड में जी डालता है, और वे 20 सेकंड भी ऐसे जो आज के नहीं है, 20 वर्ष पहले के हैं, मर चुके हैं, तब उसकी आत्मा का अकेलापन कहा नहीं जा सकता, अंधेरे में ही कुछ अनुभव किया जा सकता है। रामलाल स्टेशन का प्लेटफॉर्म पार करके रेल की पटरी के साथ हो लिया। 110 कदम चलकर वो रुका और पटरी की ओर देखने लगा। उसे लगा पटरी के नीचे लकड़ी के स्लीपरों पर जैसे खून के पुराने धब्बे हैं। वो पटरी के पास ही बैठ गया, लेकिन 20 वर्ष में तो स्लीपर कई बार बदल चुके हैं, ये धब्बे खून के हैं या तेल के? रामलाल ने चारों ओर देखा, वही स्थान। आसपास के दृश्य से अधिक उसका मन गवाही देता है, और रामलाल घुटनों पर सिर टेक कर आंखें बंद करके पुराने दृश्यों को जिलाता है। वो कठोर एकाग्रता से उस दृश्य को सामने लाना चाहता है, नहीं सामने आने से रोकना चाहता है, नहीं वो कुछ भी नहीं चाहता, वो नहीं जानता कि वो क्या चाहता है या नहीं चाहता है। उसने अपने आप को एक प्रेत को समर्पित कर दिया है, जीवन में उससे खींचे रहने का यही एक प्रायश्चित उसके पास है, और इस समय वो स्वयं मिट्टी होकर, स्वयं प्रेत होकर, वो मानो उससे एक हो लेना चाहता है, उससे कुछ आदेश पा लेना चाहता है। जाने कितनी देर बाद वो चौंकता है, सामने कहीं से रोने की आवाज आ रही है, एक औरत के रोने की। रामलाल उठकर चारों ओर देखता है, कहीं कुछ नहीं दिखता, आवाज निरंतर आती है। रामलाल आवाज की ओर चल पड़ता है, जो स्टेशन से परे की ओर है। इंदु कभी रोई थी? उसे याद नहीं आता, लेकिन ये कौन है जो रो रहा है, और इस आवाज में ये कशिश क्यों है? कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। 2-4 कदम चलकर रामलाल कोमल स्वर में फिर पूछता है, कौन रोता है? रेल की पटरी के पास से कोई उठता है। रामलाल देखता है किसी गाढ़े रंग के आवरण में बिल्कुल लिपटी हुई एक स्त्री उसे पास आता देखकर जल्दी से एक ओर को चल देती है, और क्षण भर में झुरमुट की ओट हो जाती है। रामलाल पीछा भी करता है, लेकिन अंधकार में पीछा करना व्यर्थ है, कुछ दिखता ही नहीं। रामलाल पटरी की ओर लौटकर वो स्थान खोजता है जहां वो बैठी थी। क्या यहीं पर? नहीं, शायद थोड़ा और आगे। यहां पर? नहीं, थोड़ा और आगे। उसका पैर किसी गुदगुदी चीज से टकराता है, वो झुककर टटोलता है, एक कपड़े की पोटली। बैठकर खोलने लगता है, पोटली चीख उठती है। कांपते हाथों से उठकर वो देखता है, पोटली एक छोटा सा शिशु है जिसे उसने जगा दिया है। वो शिशु को गोद में लेकर थपथपाता हुआ स्टेशन लौट आता है और बेंच पर बैठ जाता है। घड़ी देखता है, 3 बजे हैं, 5 बजे गाड़ी मिलेगी। अपने ओवरकोट से वो बच्चे को ढक लेता है, 2 घंटे के लिए इतना प्रबंध काफी है, गाड़ी में बिस्तर खोला जा सकेगा। रामलाल ने अपने गांव में एक पक्का मकान बनवा दिया है और उसी में रहता है। साथ रहती है वो पाई हुई शिशु कन्या जिसका नाम उसने इंदुकला रखा है, और उसकी आया जो दिन भर उसे गाड़ी में फिराया करती है। गांव के लोग कहते हैं कि रामलाल पागल है, पैसे वाले भी पागल होते हैं, और इंदु जहां जहां जाती है वे उंगली उठाकर कहते हैं, वो देखो उस पागल बूढ़े की बेटी। इसमें बड़ा गूढ़ व्यंग्य होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि बूढ़ा रामलाल किसी के पाप का बोझ ढो रहा है, लेकिन रामलाल को किसी की परवाह नहीं है, वो निर्द्वंद है, उसके हृदय में विश्वास है।
वो खूब जानता है कि उसकी क्षमाशीला इंदु ने स्वयं प्रकट होकर अपने स्नेहपूर्ण अनुकंपा के चिन्ह स्वरूप अपना एक अंश और प्रतिरूप वो बेटी उसे भेंट की थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए कहानी केंद्र में।